हेलो फ्रेंड्स, देवांशी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए पंजाबी तरी मटन की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप होली के शुभ अवसर पर बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार खाने में लगती है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं वीडियो। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो का नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मटन लिए हैं, इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और साथ ही मैंने 4 टेबल स्पून दही डाला है। साथ ही मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और साथ ही मैं यहाँ पर डालूंगी 1/2 टी स्पून जीरा पाउडर। 1 चम्मच मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च और स्वाद अनुसार हम यहाँ पर नमक डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स करेंगे। तो पहले हमें मटन को सभी चीज़ में इसे मिक्स करके हमें मैरिनेट के लिए रखना है करीब आधा घंटा के लिए। अगर आपका पास टाइम है तो आप 1 घंटा भी रख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अगर आप चाहें तो इसी में आप गोलकी पाउडर भी डाल के मिक्स कर सकते हैं। अब इसे हम ढक कर रख देंगे। और खड़े मसाले में मैंने यहाँ पे लिया है 1 पीस मैंने यहाँ पर तेज़पत्ता लिया है, 2 पीस मैंने यहाँ पर लिया है सूखी मिर्च, 3 पीस मैंने यहाँ पर लौंग लिया है, 1 बड़ी इलायची, 2 पीस छोटी इलायची, 5 पीस गोलकी और दालचीनी और मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच जीरा लिया है। अब हम कुछ मसाले को और देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है फ्रेश कटी हुई धनिया पत्ता। तो तरी मटन में इस तरह से डंठल वाली धनिया पत्ता रहता है, ज़्यादा टेस्टी खाने में लगती है, आप इसे ज़रूर यूज़ करें। और साथ ही मैंने 3 पीस प्याज, 2 पीस टमाटर, आधी लहसुन का पेस्ट और मैंने लहसुन की कलियाँ 5 से 6 पीस लिए हैं। मटन बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर में 100 ग्राम तेल डाल दिया है। तो जब भी हम मटन बनाएं फ्रेंड्स, आप सरसों तेल ही इस्तेमाल करें। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे सभी खड़े मसाले और साथ ही मैं यहाँ पर डाल दूँगी लहसुन की कलियाँ जो मैंने इसे छिल कर रखा था 5 से 6 पीस और साथ ही मैं यहाँ पर डालूँगी प्याज जो मैंने कट करके रखा है। तो मैंने यहाँ पर 3 पीस प्याज का यूज किया, आप चाहे तो 4 भी कर सकते हैं। अब हम सभी को अच्छी तरह से यहाँ पे भून लेंगे। तो देखिए लगभग यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन आदि का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर 5 टेबल स्पून का यूज किया है। तो 2 मिनट के लिए हम लहसुन आदि को इस तरह से अच्छी तरह से भून लेंगे, तभी टेस्ट अच्छे आएंगे। अब यहाँ पे मैं डालूंगी मैरिनेट किया हुआ मटन। तो हम सभी को यहाँ पर डाल देंगे। अब इसे हम यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप तेज़ आंच करके ही पकाएं फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने मटन में जो दही डाला था वो लगातार इसे चला कर पकाना है 2 मिनट के लिए। अब इसे हम ढक के 2 मिनट के लिए पका लेंगे, फिर से बीच बीच में चला कर इसे चेक करते रहेंगे ताकि मटन जो है कुकर में चिपके नहीं। अब फिर से हम इसे ढक देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए हम लो मीडियम आंच में इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुकी है, फिर से हम चला कर चेक करेंगे। तो देखिए लगभग यहाँ पर सभी मसाले यहाँ पर और मटन अच्छी तरह से यहाँ पर भून चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 2 पीस टमाटर जो मैंने छोटे पीस में इसे कट करके रखा था और साथ ही मैं यहाँ पर डालूंगी नमक। तो जैसे ही टमाटर आप डालें फ्रेंड्स, साथ ही आप नमक डालें, क्योंकि नमक डालने से टमाटर अच्छी तरह से गलेंगे। अब हम सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसे हम ढक के फिर से 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर सभी मसाले अच्छी तरह से भुन चुकी है और टमाटर भी अच्छी तरह से यहाँ पर भुनाई हो चुकी है। अब हम डालेंगे 1/2 कप गर्म पानी, फिर से हम अच्छी तरह से चला लेंगे। अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पर धीमी आंच में इसे पका सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुकर में सीटी लगाकर ही पकाऊंगी। तो देखिए सभी को मैंने मिक्स कर दिया है और हम 1/2 कप फिर से गर्म पानी डाल देंगे, फिर से हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो लगभग यहाँ पर मटन करीब आधी आधी पक चुकी है। एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाने लगेगी इस तरीके से। अब यहाँ पर प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है उसको हम लगा देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे ढक्कन अच्छी तरह से लगा दिया है और मैंने यहाँ पर आंच को लो टू मीडियम में रखा है और मैं यहाँ पर 3 से 4 सीटी इसे लगा दिया है। तो कुकर ठंडी हो गई, उसके बाद मैंने यहाँ पे खोल दिया। तो देख सकते हैं मटन अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगी 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और साथ ही मैं यहाँ पर डालूंगी फ्रेश कटी हुई धनिया पत्ता। अब हम सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो अब धनिया पत्ता और गरम मसाला फ्रेंड्स सीटी लगाने के बाद ही डालें।
और मैं यहाँ पर डाल दूँगी आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी और थोड़ा सा यहाँ पर हम डालेंगे जायफल, बस हल्का सा ज़्यादा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है तो कड़वे हो जाएंगे। अब हम सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक छोटा सा हाफ इंच का जावित्री यूज किया है, तो सभी को हम इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो मटर यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। तो सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर मिक्स किया है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 2-3 मिनट के लिए इसे ढक कर रख देंगे, तभी हम यहाँ पर सर्व करेंगे। तो देख सकते हो मटर यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो पंजाबी तरी मटन तो यहाँ पर रेडी हो चुकी है, अब मैं चलती हूँ सर्व करने के प्रोसेस में। तो देख सकते हैं गर्मा गर्म पंजाबी तरी मटन बन के रेडी हो चुकी है, बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। एक बार बना जरूर ट्राई करें और बनाने के बाद टेस्ट कैसा लगेगा हमें कमेंट में आप ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। तो और भी अच्छी अच्छी रेसिपी देवांशी किचन चैनल पर आप देखना चाहते हैं तो आप हम मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, तो वो रेसिपी मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, वो भी बिल्कुल फ्री में। तब मैं मिलती हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।